गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी? होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे. मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत 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 अच्छी हूँ. अभी पहले से तबीयत काफ़ी बेटर है. और गाइज, आई नो कि आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं जिनका मुझे आंसर करना है. काफ़ी मेरी जो बहनें हैं वो वेट के बारे में पूछ रही हैं मुझसे कि आपने कितना वेट कम किया अभी तक, कितना वेट कम किया. एक्चुअली आपको देख के तो लग ही रहा होगा कि कितना कम हुआ है, मेरे फेस से भी आपको पता चल रहा होगा, जॉ लाइन भी क्लियर होती हुई नज़र आ रही होगी, तो सारी चीज़ें आपको दिख ही रही हैं. बट कोई बात नहीं, तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, मैं फिर भी आप लोगों से शेयर करूँगी ज़रूर. मैंने सोचा था कि मैं ना करूँ, मैं 75 डेज कंप्लीट हो जाएंगे उसी दिन आप लोगों को मैं रिवील करूँगी कि कितना हुआ. इनफैक्ट रिवील क्या, मैं लाइव ही दिखाऊँगी आपको, जब भी मैं मशीन पर अपना वेट करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि कितना हुआ है. और जब मेरा 30 डेज कंप्लीट हो गए थे तब भी मैंने वीडियो बनाई थी कि मैंने ये देखने के लिए कि एक महीने में मैंने कितना अपना वजन कम किया है और कितना नहीं, तो वो वीडियो भी मेरे पास सेव है, अभी भी रखी हुई है, वो मैंने संभाल के रखी हुई है. सो वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी. गाइज, कल एक्चुअली मेरी तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब चल रही थी, मैं मेडिसिन ले रही हूँ अभी भी, और आज भी मैंने ली है. आज मैं डॉक्टर को बोल के कि सर मुझे सिर्फ आज की मेडिसिन दे दो, क्योंकि कल मेरा फास्ट रहेगा और मैं कल निर्जला व्रत रखने वाली हूँ, और मैं पहली बार ये व्रत रखने जा रही हूँ. और मैं भगवान जी से बस यही उम्मीद करती हूँ कि मुझे शक्ति देना इस व्रत को करने की. और तो आज, मतलब आज एक दिन पहले, यानी कि आज दशमी नहीं है, आज भी एकादशी. बहुत से लोग बोल रहे हैं कि आज भी है, बट आज नहीं है, कल है निर्जला एकादशी. जो सारे मंदिरों में, न्यूज़पेपर में, अखबारों में, न्यूज़ में, सोशल मीडिया पर और हमारे कैलेंडर में, सब में 19 तारीख, सॉरी कितनी तारीख है, तो हम भी 18 तारीख की मनाएंगे. और साल की सबसे बड़ी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. विष्णु भगवान जी आपके जीवन में सारी खुशियां भर दें, जो जो आप चाहो आपको सब कुछ मिले, सबको, सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, अपनी फैमिली के साथ रहें, अपने प्यार के साथ रहें, अपने बच्चों के साथ रहें. और सो गाइज, अभी जस्ट मैं विशाल जी के साथ जाके और मैं अपना पूजा का सामान लेकर आई हूँ, और ये मैं आपको दिखाती हूँ. इधर मैंने रखा हुआ है, ठीक है, ये रहा मेरा पूजा का सामान. ये बाकी मैं कल जब पूजा करूंगी तो मैं पूरा व्लॉग बनाऊंगी कि इसकी विधि कैसे 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 मैं करने जाऊंगी, क्योंकि मेरी छोटी बहन भी करती है तो मुझे पता है आधी चीज़ें कि कैसे की जाती है. तो मैं उसी को मैंने देखा है करते हुए, तो मैं वैसे ही मैं भी करने वाली हूँ. और बस कल जब मैं करूंगी तो मैं पूरे दिन का अपना व्लॉग बनाऊंगी. बस थोड़ी सी एनर्जी डाउन रहेगी मेरी बोलते वक्त, बट मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी सुबह से लेकर शाम तक. तो मैं सारे आंसर आपको करने वाली हूँ, पर जस्ट मैं अभी मैंने अपनी रसोई साफ़ की है और मेरा काम पूरा फिनिश हो गया. मैं काम ख़त्म करके बाजार गई थी, वहाँ से मैं सामान लेके आई थी पूजा का. और ये देखो आप, कुछ जो फूल वगैरह थे वो मैंने फ्रिज में रख दिए हैं, ये रे जो मैं लेके आई हूँ ये मैंने फ्रिज में रख दिए. इसमें माला है भगवान जी की और कुछ और भी सामान है, तो वो मैं जब कल पूजा करूँगी तो उसमें यूज़ करूँगी, तो वो मैंने फ्रिज में रख दिए ताकि वो मुरझाए ना, है ना, उनको ठंडक मिलती रहे. सो गाइस, फटाफट से नहा लेते हैं फिर मोटर चला के ठंडा ठंडा पानी से, और फिर हम आपके क्वेश्चन का आंसर देते हैं फटाफट से, ठीक है, ज़्यादा लंबा व्लॉग. सो हे गाइस, गुड इवनिंग, तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ और अभी बस मैं नहा के आई हूँ. और जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो और मैं पी रही हूँ चाय, जैसे कि आपको पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है. एक्चुअली तबीयत वैसे तो नहीं, बुखार तो नहीं है, दो दिन था, अब नहीं है. और आज गले में थोड़ी दिक्कत है, बस मेरे को थूक सटकने में दिक्कत हो रही है, तो उसकी वजह से मैंने चाय ली थी. हाँ, चाय ले रही हूँ मैं इस वजह से, मतलब पूरी. एक मिनट, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, बस एक बात बोल दूँ. तो गाइस, मैंने पूरी डाइट में अपनी चाय नहीं पी है, और आज देखो मैंने भर के चाय ली है. और अब आप बोलो. गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे. मैं पतली लग रही हूँ. हाँ, बहुत पतली लग रही हूँ. मैं मोटर लग रहा हूँ तुम्हारे सामने. गाइस, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है यार. किसी की जान पहचान हो सूरज देवता से तो कह दो, थोड़ा कम मेहरबान हो हम पे. जीवन सभी समस्त जितने भी पृथ्वीवासी हैं. गाइस, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम अपना कुछ देखो बेबी, कितना मोटा मुंह लग रहा मेरा. वीडियो को लंबा ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं. आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं. ये लोग पूछ रहे थे कि वेट बता दो. हाँ बता दो, क्या होगा, कितना क्या होने एक महीने में बता दो. नजर तो नहीं लगाएंगे? नहीं, नजर नहीं लगेगी, अपनों की नजर नहीं लगती. ठीक है,
ठीक है गाइस। तो हाँ जी शुरू करें फिर। बिल्कुल शुरू करो। मुझे लगा चाय भी कर गई। नहीं नहीं। तो पहला क्वेश्चन है चेतना राहुल गोयल का, दी आपने डार्क सर्कल को कम करने के लिए क्या यूज किया? तो मैंने तो कुछ भी यूज नहीं किया, मेरे डार्क सर्कल ऐसे के ऐसे ही हैं जैसे थे और अभी भी ऐसे ही हैं। एक नेहा है, नेहा करके, आप बहुत क्यूट हो, मैं काफ़ी टाइम से आपको देख रही हूँ बट आपके व्लॉग्स नहीं देख रही हूँ, मुझे गुड़िया हुई है तो कॉन्ग्रेचुलेशन दीदी। कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ भगवान आपकी गुड़िया की लंबी उम्र करे। और फिर ये गुजरी आर्ट करके है, दी वेट लॉस डाइट क्या है? तो जो भी मैं खाती हूँ वो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को डेली, जो भी मैं जो सिंपल खा। ये VVIP सगुन प्रिंस करके है कोई, लव यू दी, आप हमेशा खुश रहो, कितना वेट कम हुआ आपका। तो ये वाला सवाल ये सबका एंड में, वीडियो के एंड में बताया जाएगा। गीता भारद्वाज जी हैं, भारद्वाज हैं वो, HARDV योगिता बी भारद्वाज बी लिखा हुआ है। चलो छोड़ो, मॉर्निंग में जब आप वेजिटेबल जूस बनाते हो तो वो कैसे बनाते हो वो भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। एक्चुअली उसमें क्या है कि आपको जो भी वेजिटेबल लेने हैं, जो भी आपको पसंद हो, तो मैं तो मोस्टली लेती हूँ चकुंदर और नींबू, एक आंवला, थोड़ा सा अदरक और धनिया, अगर पुदीना होता है तो वो भी डाल लेती हूँ, और गाजर होती है तो गाजर भी डाल लेती हूँ। तो उनको सबको पीस के और अपना निचोड़ के नींबू डाल लो और थोड़ा सा नमक डालो टेस्ट के लिए और पी लो। विवान सॉरी, वो कह रहे हैं कि डबल चिन कैसे कम करें? तो डबल चिन मैंने अपने जो मेरे भगवान जी ने गॉड गिफ्ट उनको किस कर करके, गॉड गिफ्ट नहीं, गॉड जी जो है उनको किस कर करके, गॉड किस कर कर कैसे या ये गॉड गॉड किस वगैरह तो मुझे पता नहीं। नहीं नहीं मेरी बात सुन लो, देखो अभी देखना यहाँ पे आप ये नजर रखना कि देखो इतना जोर पड़ता है नसों पे, अब मैंने सिर्फ गॉड किस कर करके अपनी डबल चिन। सीधी सी बात है भाई, गॉड किस। ऐसा नहीं है, मैं साथ के साथ देखो वजन बॉडी से अगर जाता है तो हर सारी जगह से घटता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जो मैं करती हूँ मैं वो बता रही हूँ, वो नहीं करते हैं मैं करती हूँ मुझे पता है। तो मैं जब भी फेस वॉश करती हूँ या कुछ क्रीम वगैरह लगाती हूँ तो मुझे मैं हमेशा ऐसे हाँ करती रहती हूँ। तो आप लोग भी कीजिए, आपकी डबल चिन भी खत्म हो जाएगी। अब ऐसे नहीं कर सकती ना, तो ऐसे करना पड़ता है, उससे डबल चिन कम होती है भैया। सीधी सी बात है, रनिंग करो। जॉब भाटी पूछ रहे हैं कि आप जगतपुर कब आ रहे हो? तो गाइज डी मुझे नहीं पता अभी कब आ रही, बट नेक्स्ट वीक शायद। पिंकी निखिल दीदी है जो वो कह रही है वेल डन दी, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू टू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड वो मैं किस लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रही हूँ, ठीक है उनको भी पता है। काजल लोहमोड़ है कोई, वो कह रही है बहुत प्यारी हो तुम, कभी किसी की नजर लग गई, थैंक यू। तो गुजरी डेढ़ा 24 सा कह रही है कि 75 चैलेंज कैसा रहा और साथ में घर को संभालना और अपने पर भी ध्यान देना? तो 75 आर्ट चैलेंज बहुत अच्छा रहा, डिफ़िकल्ट भी है थोड़ा सा क्योंकि रेगुलर नहीं करना होता, आपको तोड़ना नहीं है एक दिन भी, तो थोड़ा सा मुश्किल है बट जब सपोर्ट होता है तो फिर सब हो जाता है। एक्चुअली ना बात ये है कि 75 आर्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये ना होता तो राखी अपना इतना भी वेट लूज नहीं कर पाती, बिल्कुल नहीं कर पाती। तो कहीं ना कहीं ये हमारा डिसीजन बहुत सही था, मेरा मुझे पता है ये मेरा था, मुझे पता है कि अगर वजन कम करवाना है तो स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, वरना इतना आलस आता है ना अभी भी, वरना ही मैंने वीडियो डालनी है बनाना है। एग्जैक्टली। आते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मिस रानी कह रही है कि आपका और मेरी कंडीशन सेम थी, आप इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गए? मेरा भी मुझे भी 6 महीने हो गए। उसका जवाब नहीं है मेरे पास, आप बताओ किस वे में रिकवर, अभी तो ये नहीं समझ में आया मुझे, तो ये कहना क्या चाह रही हैं? सो गाइस देखो रिकवर तो करना ही था बहन, मैं सच्ची बताऊं, और मैं चाहती हूँ कि आप भी बहुत जल्दी रिकवर करो क्योंकि ना उसी में फ़ायदा है कुछ, क्योंकि जो हो गया उसको कोई नहीं बदल सकता और आगे बढ़ने में ही फ़ायदा है। आगे आप आने वाले के बारे में सोचो, जब आप कुछ अच्छे रहोगे, फिट रहोगे मेंटली भी फिजिकली भी, तभी तो आप नेक्स्ट प्लान कर पाओगे ना। तो आप भी जल्दी से ठीक हो जाओ, ज़्यादा टेंशन मत लो, भगवान के हाथ में सब कुछ, जो वो चाहते हैं वही होता है, उनसे ज़्यादा उनके सामने किसी की नहीं चलती, तो जो हमारी किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा, चाहे आप कितना भी इंटेलिजेंट हो जाओ, ठीक है, कितना भी समझदार बन जाओ तो वो होकर रहेगा। रजनी भाटी 20 करके आई, ये उनका क्वेश्चन है वेट लॉस में कितने दिन बाद फर्क पड़ना स्टार्ट हो गया था कि अब पहले से वेट कम होने लगा है? 13 दिन, 8-10 दिन में फर्क लगने लग जाता है। 13 दिन में मतलब 13 दिन में मेरा 3.5 किलो 3 किलो
मैंने वीडियो डाली तो थी शायद वो वीडियो में हाँ वो 13 दिन की थी, आप वीडियो चेक कर सकते हो जी। और उसमें मेरा 3 किलो वजन चला गया था 13 दिन में, तो मैंने फर्स्ट स्ट्रिक्टली स्टार्ट किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आरवी भाटी 6, वो बोल रही है आपकी डाइट पूछनी है मुझे। सो दी डाइट तो जो मैं ये डाल रही हूँ ना रेगुलर वाले, ये जो मैं डाल रही हूँ डेली मिनी ब्लॉग्स, तो इसमें मैं जो भी खाती हूँ ना मैं वही दिखाती हूँ। मैं इसके बाद एक्स्ट्रा कुछ नहीं खाती या ज़्यादा कुछ नहीं लेती, जो मैं इसमें हूँ मैं बस वही खाती हूँ। तो अपना सिंपल घर का खाना खाओ, शाम को मत खाओ, बस चाय अपनी त्याग दी, मीठा बाहर का सब कुछ बंद, जो घर पे सिंपल खाना बन रहा है बस वही खाओ। गौरव कंचन गौरव मावी करके हैं दी, आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से, दिल्ली जगतपुर गाँव। फिर मुआ तनीसा हैं और उनका पूछना है दी आपकी वेट लॉस जर्नी कैसी रही? जीजू सच में बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत साथ देते हैं वेट लॉस में। हाँ ये तो है, देखो इनके बिना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनके साथ मैं क्या, इनके बिना तो मैं जा भी नहीं सकती बाहर, और आधा टाइम मुझे यही मोटिवेट करते रहे उठो चुपचाप उठ जाना, आलस मत करो बिल्कुल भी, इसलिए मेरी तबीयत भी खराब थी ना इस वजह से, कह रहे चुपचाप उठ जाओ फटाफट स्टार्ट करो। शीतल गुर्जर 56, इनका कहना है भाभी मैं बहुत पतली हूँ, मुझे भी कोई टिप्स दो जो मैं आपकी तरह फिट हो जाऊँ। नहीं नहीं मैंने आपकी फोटोज देखी थी जब आपका ये क्वेश्चन आया था ना, मैंने कहा कितनी पतली, बिल्कुल भी पतले नहीं हो आप, ठीक हो। मैं तो इवन मैं चाहती हूँ कि मैं आपके जैसी हो जाऊँ, सच्ची बता रही हूँ, मैं खुद चाहती हूँ कि मैं आपकी जितनी पतली हो जाऊँ। अरे रहन दो, ऐसा बनने के लिए पता लगे ऐसा लगे कि खुंटी पे कपड़े टंग रहे हैं। नहीं नहीं वो इतनी पतली नहीं है, अच्छी सुंदर दिखती है। निकिता तवर 3914, इनका कहना आप इतनी अच्छी क्यों हो दी? मुझे तो आप बहुत अच्छे लगते हो, थैंक यू। जसप्रीत कौर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो उनका है जसप्रीत कौर 10, डाइट एंड वर्कआउट इजी लगता है या डिफिकल्ट? स्टार्टिंग में थोड़ा सा एडजस्टमेंट होने में थोड़ा सा समय लगा, तो थोड़ा टाइम स्टार्टिंग में ना डिफिकल्ट इसलिए लगता है कि अगर इसमें जो ये चैलेंज लिया है इसमें क्या होता है कि आप इसको मतलब अगर आपकी तबीयत भी ख़राब है ना तो भी आप इसको नहीं स्किप कर सकते हो, सबसे बस तब गुस्सा सा आता है, बुरा सा लगता है कि यार क्यों मैं मोटी हूँ, क्यों मैं ये सब कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, तो बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन फिर जब मैं अपना वेट देखती हूँ कि यार कम हो रहा है तो खुशी भी होती है। अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दम्बा 12, इनका क्वेश्चन है कितना वेट लॉस हो गया अब तक? वीडियो के एंड तक बताएंगे, वीडियो के एंड में बिल्कुल बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपाली भाटी गुजरी, इनका पूछना है कैसी हो दी आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? प्रिंस ये कह रही है आप हमेशा खुश रहो दी, लव यू, मेरा नाम जरूर लेना ब्लॉग में प्लीज। हाँ जी जरूर लेंगे। वीवीआईपी शगुन प्रिंस, लो ले लिया आपका नाम, थैंक यू सो मच। नेहा भारद्वाज, तो पहली बात तो सच में दी मेरे को ये मैसेज पढ़ के ना मेरे को सच में इतना अच्छा लगा, और सो मैं ये मैसेज आपको पढ़ के बताती हूँ। मैं कुछ नहीं पूछना, बस बताना है सबको कि ये लड़की बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत प्यारी अच्छी और सबसे बेस्ट या बहुत अच्छी बेटी है, बहन है, बहू है और बीवी है, और बहुत जल्दी एक अच्छी माँ भी बनेगी। बी स्ट्रॉन्ग बहन, पर्सनली मैं बहुत, मुझे आप बहुत पसंद हो। बात वो बात अलग है कि मैं इनकी रील्स और व्लॉग कम देख पाती हूँ, लेकिन जिस दिन फ्री होती हूँ उस दिन मेरा सारा नेट इनको देखने में चला जाता है। और लव यू बहन, प्लीज़ यार एड्रेस दे देना, मिलना है जब आप जगतपुर आओ तो प्लीज़ मुझे बताना, तो मैं जगतपुर जब भी आऊँगी ना, स्टोरी तो आपको पता ही कि स्टोरी भी डलती है और व्लॉग भी आता है, और इस बार मैं थोड़े अच्छे टाइम के लिए जाऊँगी क्योंकि शादी से मैं रहने गई नहीं, मैं 10-12 दिन रहने जाती हूँ और फिर वापस आ जाती, तो इस बार मैं अच्छे से टाइम वहाँ पे स्पेंड करके आऊँगी। तो जब भी जाऊँगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट, तो आपको मिल ही जाता है मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। ठीक है, थैंक यू एंड आई लव यू। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूजा भारद्वाज 4272, बेबी कब करोगे फिर से ट्राई? तो वो अभी तो है नहीं, अभी टाइम है और बाकी गॉड नोज। हाँ बाकी भगवान जाने जब वो देना चाहे। संजना भाटी 31, इनका कहना है भाभी आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज, और इतनी दूर किसने कराई और कैसे हुई? कैसे एक ही बात में इतने सारे सवाल पूछ लिए। पहली बात तो आप
उसे क्या फर्क पड़ता है कि लव है या अरेंज है। और दूसरी चीज़ ये कि इतनी दूर भाई, मेरे रिलेशन में बहुत दूर दूर, मेरी माँ से यहाँ सिकंदराबाद, यहाँ से भी बहुत दूर दूर, इतना दूर से तो मैटर ही नहीं है, इतना दूर कुछ नहीं है, हाईवे बना हुआ है, 1.5 घंटे में हम अपने घर पहुँच जाते हैं दिल्ली। और ये तो बल्कि जल्दी पहुँच जाते हैं, सुबह सुबह जाम नहीं मिलता और मज़ा और आता है। अभी तुम अगर दिल्ली से तुम लाजपत नगर जाने लग जाओ तो तुम्हें 1.5 घंटा लग जाता है, और हम 1.5 घंटे में दिल्ली से मेरठ आ जाते हैं। क्वेश्चन है सुरु यादव 966 करके, उन्होंने पूछा है आपने खाने के क्रेविंग्स को कैसे रोक रखा है। यार मेरा सी सेक्शन होने के बाद पेट बाहर आ गया है। सबसे मेन चीज़ पहले दिमाग और मन, आप अगर आप इन दोनों पे आपने कंट्रोल कर लिया तो आपकी क्रेविंग कितनी भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा, मेरे को भी बहुत क्रेविंग होती थी, लेकिन वो भजन है ना, मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, हाँ भटके हुए, कभी हो पाएगा। अगर आप क्रेविंग नहीं कंट्रोल कर सकते तो फिर आप भूल जाओ कि आप अपना वेट कम कर लोगे। और अब नेक्स्ट है चेतना राहुल गोयल 9698 करके, अपने डार्क सर्कल को कैसे कम करने के लिए क्या यूज़ किया। मैंने सच में कुछ नहीं किया, अभी भी ऐसे कैसे हैं देख लो, ख़त्म ही नहीं हुआ, देख लो ऐसे कैसे हैं। सो नेक्स्ट है सोनम बैसला, कुछ नहीं पूछना दी, बस लव यू बहुत सारा, लव यू टू। सीखा अभिनव करके, उन्होंने पूछा है आप बहुत फनी वीडियो बनाते हो दी, नाइस और बहुत क्यूट भी हो आप, थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट पर आते हैं, अभिषेक बैचला 66 करके पूछा है दी आपकी ससुराल वाले बफेलो भी रखते हैं। हाँ जी बफेलो भी रखते हैं, और मेरे मायके में बफेलो नहीं है, गाय है, हम रख सकते हैं, हमारा दूध का भी काम है। और टच चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑफिशियल सोनी गुजर है दी आपका डार्क सर्कल हो रहे हैं क्या लगा रही हो। तो बाऊ मैं कुछ भी नहीं लगा रही सच कसम से, जिस दिन लगाऊंगी तो आप लोगों को जरूर बताऊंगी। नेक्स्ट है शुभांग नहीं पारुल यादव 98, अच्छा इनका क्वेश्चन है भी आपका वेट कितना कम हो गया, तो वो मैं अभी लास्ट में बताऊंगी, अब ब्लॉग में बने रहना। राजेश राणा 98 करके बोल रहे हैं लव मैरिज है ना। आपने तो कराई है। बिल्कुल ऐसे करे हाँ जैसे मैं हमारी शादी की बिचौलिया यही हूँ। कोमल अम्बावत इनका पूछना है बहन आपका वेट का टारगेट कितना था और हुआ कितना है, क्योंकि मैं अभी वेट लॉस पर हूँ। टारगेट बता दीजिए, टारगेट मेरा मैंने 75 हार्ट चैलेंज शुरू किया था, तो मैंने वीडियो भी डाली थी, आप इंस्टा पे भी चेक कर सकते हो, तो उसमें मेरा टारगेट था 15 किलो का, मेरे को अपना 15 किलो वजन कम करना था, और लेट्स सी कि मैं कितना कर पाती हूँ और कितना नहीं। और सो गाइज क्वेश्चन सबके ख़त्म हो गए हैं, बाकी जो थे ना वो सब सेम थे, वेट लॉस मतलब कितना किया उससे भरा पड़ा था, मैं अब किस किस के लेती हूँ तो मैंने सोचा कि मैं लास्ट में बता देती हूँ जिस दिन किया था, तो मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है, मैं कल अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि जब मैं आप लोगों के सामने बता ही रही हूँ तो मैं उसको भी अपलोड करूँगी। तो 30 दिन में जो मेरा वेट कम हुआ था, हाँ जी बताओ, पहले था 70, 69, 700 कुछ करके था है ना, तो अब जो आज के टाइम में वेट है वो है 63। एक महीने का बताओ, एक महीने में कितना कम किया था मैंने, 7 किलो, एक महीने में 7 kg, कैन यू बिलीव 7 किलो 7 kg एक महीने में, मतलब अभी तुम्हें दिख नहीं रहा होगा क्योंकि वेट इतना ज़्यादा है ना, कुछ ये है कि मेरा फेस बड़ा है तो वो लगता नहीं है कि इतना वेट कम हो गया, लेकिन मुझे पता है मेरे कपड़े भी लूज़ हो गए हैं, मेरे हाथ भी मुझे इतने पतले नज़र आते हैं, पेट भी कम हो रहा है, तो वो भी 7 किलो हुआ है मेरा एक महीने में। अभी थोड़ा सा बीच में स्टक हो गया है वेट, वो हो जाता है हर किसी के साथ होता है वो। अब मैं सीधा आपको 75 दिन पर बताऊँगी, मेरा टारगेट था 15 किलो का, अब मुझे नहीं पता कि मेरे पास 25 दिन बचे हैं, 50वां हो गया ना, तो 25 दिन बचे हैं, इन 25 दिन में मैं कितना वेट कम कर पाती हूँ और नहीं होता है, ये आपको 75 डेज जिस दिन कंप्लीट हो गए उसी दिन मैं आपको ये बता पाऊँगी। तो सबको क्रेविंग हो रही थी वेट जानने की, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब इसी टॉपिक पे बात होगी सीधा, 75 डेज जिस दिन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। सो गाइस मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।